हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फाइनली यूट्यूब पर आई गया। बहुत दिन से सोच रहा था यूट्यूब स्टार्ट करते, पर ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब हमारे लिए नहीं है। बट फाइनली आज मेरी पहली वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आज से 12-15 साल पहले मुझे बाइक राइड का बहुत क्रेज था। मैं बहुत बाइक राइडिंग करता था, स्टंट करता था, अदर सिटी अदर स्टेट में बाइक से ही जाता था। लेकिन वक्त के साथ मेरा वो क्रेज कम होता गया और मैंने बाइक राइडिंग छोड़ दी थी। आज जब मैं यूट्यूब पर आया हूँ तो मैं अपना फर्स्ट वीडियो बाइक राइडिंग का ही लेकर आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मुंबई से शिरडी। ये ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की राइड है और इस राइड को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं एक अलग रूट से जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को वो रूट पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग उस रूट से जाते हैं शिरडी के लिए, तो मैं आज उस रूट से जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अभी आया हूँ मैं बारवी डैम के पास। ये काफ़ी अच्छा यहाँ का सोर्स है पानी का। यहाँ के जो आसपास के सारे एरिया में फार्मिंग के लिए पीने के लिए पानी यहाँ से जाता है। ये मेरे पीछे बारवी डैम है। वन डे पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आप भी मुंबई से प्लान करें तो 80 किलोमीटर राइड्स करके आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। फाइनली अभी किया हमने 2 आवर्स का राइड किया और अभी पहुंचे मार्शल घाट पर। ये महाराष्ट्र का बहुत पॉपुलर मानसून डेस्टिनेशन है। बारिश में यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रीनरी होता है और वाटरफॉल्स होते हैं और यहाँ का जो सीनरी होता है वो देखने लायक होता है। वैसे ये तो अभी भी बहुत अच्छा ही लग रहा है देखने। अमेजिंग जगह है यार, बहुत अमेजिंग जगह है। अभी मालशेद घाट से हम 5 किलोमीटर आगे आए, पिपला गांव नाम है और ये जोगवा लेक है। जोगवा लेक बहुत खूबसूरत है, कैंपिंग बोटिंग और बहुत सारे एडवेंचर के लिए बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। तो ऐसे लेक को देखकर मुझे तो भाई हमेशा पानी में स्विमिंग करने का मन करता है। तो मैं अब जा रहा हूँ, बाइक स्टॉप कर रहा हूँ अपनी और मैं सीधा स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कभी यहाँ पर आए तो ये लेक तो ब्यूटीफुल है, देख के मन करेगा आपका भी कि अंदर जाए। बट एक ये बताना चाहता हूँ कि ये पानी काफ़ी गहरा है, काफ़ी डीप है। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं, अगर आप आ रहे हैं तो आपके साथ कोई स्विमर होगा तो ही आप पानी में आए, नहीं तो पानी में मत आए, ये रिस्की है।
गाइस अब निकल रहा हूँ मैं शिरडी के लिए। आपको एक अपडेट देना था, ये जो मेरे पीछे जो पहाड़ी है वो हरिश्चंद्रगढ़ है, जो काफ़ी फेमस है अपने ट्रैकिंग के लिए। और उसके ऑपोजिट में है कोकन कड़ा, और वहाँ पर भी ट्रैकिंग होती है, फ्लैट ट्रैकिंग है उसकी। तो अगर आप इस एरिया में आए तो आप वहाँ पर भी ट्रैकिंग में जा सकते हैं। और यहाँ से पास में ही हमारे शंकर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर भी पास में ही है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अभी हम तो कहीं नहीं जा रहे, हमें शिरडी जाना है, तो हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए शिरडी। मुंबई से सफ़र शुरू हुआ था और बदलापुर मालशेद संगम ने रोते हुए शिरडी पहुंचा है। आज का हम होटल में रुकने वाले हैं और कल सुबह बाबा का दर्शन करेंगे। गाइस फाइनली अब होटल में आ गए, अब यहाँ पे आराम करेंगे और कल सुबह बाबा का दर्शन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। गुड नाइट, बाय, थैंक यू।